अज आप गल करांगे जी राम सरूप अणखी दे नावल जमीना वाले। छोटा जा नावल एको बैठक दे विच पढ़िया जा सकता, 9 बजे शुरू करो तो 12:30 हद 1 बजे तक समाप्त हो जाता। राम सरूप अणखी दा कोई भी नावल चकना पहले ही पेज तो पाठक नूं अपने नाल जोड़ लैंदा। राम सरूप अणखी इन्हां दी शैली बड़ी रुचि वाली है। ये नहीं कि गुरदयाल सिंह दा नावल चक्या अन्ने घोड़े दा दान ते महीना महीना पिया पढ़न नूं दिल नहीं करदा, इन्नी योग्यता तो नहीं कि आलोचना करिए, पर फिर भी जे पाठक वजो ही कहना होवे तां थोड़ा जिहा ज्ञान झाड़िया हुंदा गुरदयाल सिंह दीआं रचनावां दे विच जो नहीं करना चाहिए। पाठक नूं आपे ही कहानी पढ़ के जो ज्ञान हो रहा वह होना चाहिए, आप नहीं विच दखल देना चाहिए। जो आलोचना करनी भी हो गुरदयाल सिंह जी हैं सचिन तेंदुलकर जिन्हों कोई लेना देना नहीं, टीम जितती है कि हारती है बस मेरी सेंचुरी बन जाए मैनू इनाम मिल जाए। ये लेखक ने राहुल द्रावड़ की तरह टिक टिक खेडना विकट बचानी है, रन बन ना बन बस टीम जितनी चाहिए है, मान सम्मान कोई ना मिले ना मिले टीम नू जिताउणा। उस तरह इन्हां दीआं रचनावां दे विच थोड़ी जी पिंडां दी जिहड़ी सच्चाई है वह पेश की जाती है, अश्लीलता भी आ जाती है। ये नावल जिहड़ा इहदे उपर जे कोई प्रश्न पूछा जा सकता इत्थों ही पूछा जा सकता, ये आम नावलों वर्गा नावल नहीं है, ना इसका कोई नायक है ना नायिका अते ना कोई खलनायक, परंपरिक नावलों वांग इसका कोई गुंदवा प्लाट भी नहीं। ये रचना पिंड दीआं अड अड जातां दे 7-8 टब्बरां दी कहानी है। ये पिंड सरदारगढ़ आदमपुर आला सिंह राम सरूप अणखी ने सारा साहित्य अपने आले दुआले दे पिंडां उपर लिखिया, एक परिवार का दूजे परिवार नाल कोई खास संबंध भी नहीं, कदे कोई पात्र एक परिवार तो दूजे परिवार विच दाखल हुंदा वो भी थोड़ा मोटा। हाँ इस रचना का केंद्र बिंदु एक पिंड जरूर है, जो पिंड बाहर नूं निकल रहा है, पिंड जो अंदर नूं सुंगड़ रहा है, पिंड जो जाग रहा, पिंड जो मर रहा है, अपने सभ्याचार नूं नाल लेके की बनेगा इस पिंड का कोई पता नहीं, ते इस नावल विचलियां घटनावां का भी कुछ पता नहीं लगता किधर नूं जा रही है। 7-8 टब्बर है उन्हां दी कहानी है। राम सरूप अणखी के नावलों में जिहड़ी औखी गल है कि पात्र बहुत ज़्यादा होंदे, पता नहीं लगता किहड़ा पात्र किहड़े किहदे नाल संबंधित आ, उलझ जांदे आ पात्र ज़्यादा गिनती विच होण करके। ये नावल की कहानी प्रश्न ये यही पूछा जा सकता कि राम सरूप अणखी का किहड़ा नावल जिस विच उसने लिखा कि इसका ना कोई नायक है ना नायिका ना ही कोई खलनायक, ये जमीना वाले विच बस यही सवाल बनता ये उपर। कहानी ये बयान की आ पिंड दे विच उच्चे अखवाउण वाले जट ते बाकी जिन्हां नूं निक्कियां सुक्कियां जातां कह दित्ता जांदा उन्हां दी कहानी आ कि किवें हालात बदलदे आ। जट्टां दे मुंडिया जिहड़े ओह कारां मोटरसाइकलां दे ठीक आ ट्रैक्टरां दे शौकीन हुंदे आ, होर कोई काम करदे नहीं, अपनी बेइज्जती महसूस करदे आ, खेतां 'च भइए आ जांदे आ, आप आराम दी जिंदगी जिउंदे आ, तो उन्होंने जमीना के उपर करजे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिन्हों निक्कियां सुक्कियां जातां कहा जाता सी पिंड दे विच मिस्त्री आ शहर जाके चंगे काम करते, कोई जोड़ियां बनाउण दा काम करता, कोई मिस्त्री पुणे दा काम करता, होर जिहड़े उन्होंने सीरी लगे होंदे सी उन्हां दे बच्चे बाहर जाते हैं शहर के काम करते हैं, वो अपने घर जिहड़े वधिया बना लैंदे आ। तो जट्टां दे मुंडे जिहड़े नशियां विच पै जांदे आ ठीक है, एक जिहड़ा विखावा करदे आ जट होण दी हैंकड़ा कि असीं जमीना वाले आ असीं सरदार आ, उन्हां नूं लै डुबदी आ हौली हौली मरनिआं दे इकट्ठ करना कि देखो असीं मरनिआं ते वी इकट्ठ करदे आ। मुड़ के जिवें अखीरला आपां पैरा ही पढ़ लईए आखरी पेज ही इस नावल दा, क्यों बई इह अपने पिंड वाले भोग ते आए सी जां आप दीआं कारां दिखाउण आए सी, कारां ही दिखाउण आए सी होर की। इन्हां दी जिहड़ी मलवई बोली आ बिल्कुल शुद्ध मलवई आ, कारां ही दिखाउण आए सी होर की। ओए भाई अगलिआं ने कमाईआं कीतीआं ने, कोई चोरी दी कार तां नहीं लै के आया, इह यार निक्की सुक्की जात ही जट्टां तों अगे लंघी फिरदी आ, इन्हां दे मकान देखी आला सिंह वाले जा के मार फट के महल उसारे पए आ, वधिया खांदे पींदे आ, आपां उही नंग भुख नाल घुलदे आ, करजाई होए बैठे आ, बैंकां दे करजाई आपां आड़तीआं दे करजाई आपां,
अपनी तां कुछ नहीं जून भाई। ओए भाई मोदन सिंह गल समझण वाली है, आपां जिहड़े जट आ आपां नूं हैंकड़ा भी असीं जमीन वाले आ, घरां दे खर्चे वधा ले, उधर खेती दे खर्चे अड्ड वध गए, फिर मशीनां आ गईआं, आ भईए आ गए, जट पल्ले हैंकड़ी हैंकड़ रह गई। पर इह निक्की सुक्की जात इन्हां ने आपदा कम नहीं छड्डिआ, पिंड छड्ड के उत्थे जाके चढ़ाई हो गई इन्हां दी, दिन रात करी जांदे आ, टिकदे नहीं इह, कमाइयां दा मुल पैंदा ही आ, फिर देख लै अपनियां सेपियां करदे हुंदे इह, हुण अपने उत्तों दी होए फिरदे आ। ओए ओह परसिन्नी बाहमणी अपने घरां तों रोटियां लिजांदी हुंदी, उहदा पोता सुरेश कहिंदे उत्थे जा के पैसियां च खेडदा, 30 मैसां ने पता नहीं 40 मैसां ने उहदे कोल, उहदा प्यो तरसेम मास्टर है ना, उहदी कचहरी च बड़ी चलदी है, कुल अफसर जानदा उहनूं, मैनूं इक औटा जिहा पै गिआ सी, तरसेम ने खड़ा छुड़ाया, ऐ तां पिंड दा मोह रखदे ने, देख लै किन्ने बंदे आए हाकम दे मुंडे दे भोगते, मतलब दिखावे बाजी। ये सारियां कहानियां बयान कीतियां जिन्हां दा कोई सिरा तां नहीं बनदा आखर दे विच जाके, क्योंकि नावलकार ने पहला शुरू विच ही कह दिता कि किसी की कोई कहानी नहीं पूरी, ये तां पिंड दा हाल बयान कीता, एक उहदे उपर ये नावल है, वधिया पढ़न वाला नावल है, उद्देश है इहदे विच, प्रेरणा मिलदी है।